ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे। तो मुझे अच्छे से याद आता है, गंगे दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा तिलक नगर में अरोड़ा भाई है और वो अरोड़ा भाई क्लास के बाद भाई बहनों को बिगाड़ता है, संशय बुद्धि पहना देता है, क्योंकि अरोड़ा भाई श्री कृष्ण का परम भक्त था। जब मुरली में आता था कि श्री कृष्ण के 84 जन्म है, श्री कृष्ण देवता है, उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक बार ये भी बोलता था कि गंगे मुझे तो ले चलो, जिसने आपको ऐसा बनाया मुझे ले चलो बाबा के पास। तो कहती थी बाबा ये निश्चय बुद्धि भी नहीं है और आना भी बहुत चाहता है। बाबा बोले ले आओ बच्चे को। जब ले गए तो 24 घंटे बाबा की चेकिंग करता था कि बाबा मुरली कैसे चलाते हैं। मैं देखता हूँ, जरूर कहीं से कुछ पढ़ते होंगे बाबा। लेकिन उसको रात दिन उसने चेकिंग किया बारी बारी, हर घंटे 24 घंटे में उसको दिखा ही नहीं कि बाबा कुछ पढ़ते भी हैं। जब थक गया तो गुरुवार के दिन सुबह अमृत वेले उसको साक्षात्कार हुआ कि ऊपर से परम धाम से ज्योति बिंदु, एक बिंदी चमकती हुई ज्योति आती है और बाबा के अंदर प्रवेश करके वो सुनाती है। फिर कहने लगा गंगे दादी से मैं समझ गया। तो कहा क्या समझ गया? कहा नहीं, मुझे अब निश्चय हो गया, हम कानपुर चलेंगे, वापस जाएंगे।